हाँ सो आज जो है, आज बेसिकली ये है जो कि आप आज का ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दे दिया जाएगा तो आप उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे टोटल एक्सप्रेशन का, ये आपका आज का टॉपिक है। ठीक है, गुड इवनिंग सर। तो इसमें यस बोला सर। गया है, गुड इवनिंग बेटा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आएगा, इसको इक्वल टू जीरो नहीं करना। एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ आपका वो वाला टोटल पोर्शन रहेगा, इक्वेशन नहीं है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में हम जानते हैं ना डिफरेंस क्या होता है, तो हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आज देखेंगे। ठीक है, बात समझ आया? तो ये जो पहला वाला है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज देखेंगे। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि आपका क्या है, जनरल फॉर्म है। किसका जनरल फॉर्म है? क्वाड्रेटिक किस चीज का? एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो ये नॉर्मल इस फॉर्म में रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। डिफरेंट वैल्यू हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये टोटल जो आप चीज है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये टोटल डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है इस वेरिएबल एक्स के ऊपर। ये जो वेरिएबल एक्स है, इसका वैल्यू क्या होगा इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका वैल्यू क्या आएगा, राइट? क्योंकि इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब एक्स का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? एक्स का वैल्यू मैं माइनस इनफिनिटी से लेकर, अगर नंबर लाइन में सोच लू, ये नंबर लाइन है, एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, इस साइड में जितना चाहो लेफ्ट में जा सकते हो, राइट में जितना चाहो जा सकते हो, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू हो सकता है। इन्फिनिटी का मतलब है आप नेगेटिव के साइड जितना जाओ, जितना जाते जा ही रहे हो, जा ही रहे हो, तो नेगेटिव साइड जो जा रहे हो तो हमें माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, और प्लस के साइड में हम जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी, मतलब कुछ भी हो सकता है एक्स का वैल्यू। हाँ या ना? तो इसीलिए लिखा है देखो कि एज एक्स वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पे दो पॉसिबल हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्या? कि हैज ए मिनिमम वैल्यू व्हेन ए ग्रेटर देन जीरो। अब देखो एक चीज आप समझो पहले, ये टोटल जो आपका एक्सप्रेशन है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट जो है ये होता है ए, इसको बोलते हैं हम लीडिंग कोएफिशिएंट। क्यों लीडिंग कोएफिशिएंट बोला जाता है? लीडिंग मतलब लीड कर रहा है, मतलब मेन चीज हम बोल सकते हैं। क्यों लीड कर रहा है ये? क्योंकि देखो ये एक्स स्क्वायर जो है ना, ये एक्स स्क्वायर के लिए ही आपका टोटल एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक बन रहा है, और यही ए ए जो है ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, इसीलिए हम बोल सकते हैं इसको लीडिंग कोएफिशिएंट। इसीलिए देखना, मैंने जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता है, याद है? तो ये ए का वैल्यू ए के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है कि ये केसेस कितना आएंगे। तो ए का जो वैल्यू है दो हो सकते हैं, या तो ये ग्रेटर देन जीरो या तो लेस देन जीरो। अब कोई कोई बोलेगा सर इक्वल टू क्यों नहीं हो सकता है? इक्वल टू तो नहीं हो सकता, ये पहले ही डिसाइड हो गया था, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा ही नहीं, तो ये होने का तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि ए इक्वल टू जीरो हो जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। दोनों ही पॉसिबिलिटी है कि या तो जीरो से बड़ा हो जाएगा या तो जीरो से छोटा हो जाएगा, और अगर जीरो से बड़ा हो जाएगा तो ये आपका मिनिमम वैल्यू, एंड अगर जीरो से छोटा हो जाएगा तो हैज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो ये चीज हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ होएगा, इसका कौन सा वैल्यू के लिए होएगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये बोल रखा है इसमें कि द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑकर्स, मतलब कहाँ होता है, एक्स का कौन सा वैल्यू के लिए होगा मैक्सिमम और मिनिमम, वो बोल रहा है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू के लिए होगा। एंड इसका जो वैल्यू आएगा, अगर इसका वैल्यू माइनस बी बाई टू ए अगर बैठा देंगे हम कहाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो ये इक्वल टू आ जाएगा इस चीज के ऊपर, एक मतलब इक्वल आएगा फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए। तो अभी मैंने क्या बोला फिर से एक बार समराइज करता हूँ, क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है। हमारा जो एक्सप्रेशन था, क्या एक्सप्रेशन था हम लोग का, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। इसमें हम जानते हैं कि ए का वैल्यू जीरो से बड़ा नहीं, जीरो नहीं हो सकता है। ए जो है लीडिंग कोएफिशिएंट है, मतलब ए के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम मिनिमम होगा या नहीं। तो ए का दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि जीरो तो इक्वल टू नहीं हो सकता है, ए का वैल्यू तो इक्वल टू जीरो पॉसिबल नहीं है, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहेगा ही नहीं। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ए का वैल्यू या तो जीरो से बड़ा हो जाए और या तो ए का वैल्यू जीरो से छोटा हो जाए। आया बात समझ में? Yes, sir. ठीक है,
तो अगर ऐसा हो जा रहा है तो मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगा वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा मेरा एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर, और वो वैल्यू जो जिसके इक्वल होगा वो आएगा फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई टू। तो अगर मैं दूसरा वाला जो मेरा पहला वाला प्रॉब्लम है अगर इसमें जाऊं, क्या है ये टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें ए का वैल्यू क्या है, टू है ना, तो कौन सा वाला आएगा, ये ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है? ग्रेटर देन, इसमें मैंने क्या देखा, ग्रेटर, ये अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये हैज द मिनिमम वैल्यू, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू आएगा। इसे देखो आपको पूछ भी रहा है मिनिमम वैल्यू निकालो, तो ए ग्रेटर देन जीरो, सो क्योंकि ए का वैल्यू हमारा क्या है, ए का वैल्यू टू है, सो ए ग्रेटर देन जीरो, सो इट हैज मिनिमम वैल्यू, हाँ या ना? और हमने क्या जाना, मिनिमम वैल्यू कहाँ होता है, तो हम लिखेंगे कि मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए होता है। तो बी का वैल्यू क्या आ जा रहा है इधर से आप देखो, माइनस ऑफ थ्री, ए का वैल्यू क्या हो जा रहा है, टू, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस थ्री डिवाइड बाई टू इंटू टू, जो कि आएगा थ्री बाई फोर, मतलब एक्स इक्वल्स टू थ्री बाई फोर पे ये आ जा रहा है, और एक्स इक्वल थ्री बाई फोर पे आएगा, मतलब आप एक्स का वैल्यू इसमें अगर डायरेक्ट बैठा दोगे तो आ जाएगा, या तो आप डायरेक्ट इस वाला चीज में बैठा सकते हो फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर, इसमें भी बैठाओगे तो भी आपका आंसर आएगा, जो आपका मर्जी। तो अगर हम खड़ेंगे इसको तो क्या आया था मेरा, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, कहाँ मेरा मिनिमम वैल्यू आ रहा है, एक्स का वैल्यू इसमें, तो मैं इसको बैठा देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, टू इंटू थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू थ्री बाई फोर प्लस टू, तो इसको करेंगे तो थ्री, सॉरी, तो ये क्या आ जाएगा, टू इंटू नाइन बाई सिक्सटीन, नाइन बाई फोर प्लस टू, और इसको करेंगे तो ये आएगा मेरा, टू से ये कैंसिल होके एट, तो नाइन बाई एट माइनस नाइन बाई फोर प्लस टू, तो ये आपका आ जाएगा एट, और ये नाइन माइनस ये कितना आ जा रहा है, फोर टू जा एट, नाइन टू जा एटीन, प्लस इसमें वन है तो एट टू जा सिक्सटीन आ जा रहा है, हाँ या ना बोलो, सिक्सटीन प्लस नाइन करने से ट्वेंटी फाइव, और ट्वेंटी फाइव में से अगर एटीन माइनस होगा तो ये सेवन बाई एट हो जा रहा है, राइट तो ऑप्शन ये आपका राइट आंसर आ रहा है। ये भी कर सकते थे या तो दूसरा वाला क्या कर सकते थे, वो वाला भी दिखा देते हैं जो बाई फॉर्मूला वाला चीज था, देखो इसमें क्या हो जा रहा था, डायरेक्ट अगर इसमें बैठाएंगे फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई टू, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई, फोर ए में भी अगर बैठाएंगे तो भी आंसर डायरेक्ट आ जाएगा फोर, ए का वैल्यू क्या था मेरा, टू माइनस थ्री, सी का वैल्यू टू, तो फोर इंटू ए मतलब टू इंटू सी का वैल्यू टू माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू माइनस थ्री, तो ये माइनस थ्री का होल स्क्वायर डिवाइड बाय फोर इंटू ए का वैल्यू कितना आएगा, ठीक, तो फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, माइनस नाइन डिवाइड बाय एट, तो देखो इसमें भी आपका सेवन बाय एट ही आ रहा है। आप कोई भी तरह से करो आंसर आपका वही आएगा। सर हाँ बेटा बोलो, सर इसमें सी की वैल्यू टू कैसे आई, ये वाला इसको अगर आप कंपेयर करोगे किसके साथ कंपेयर करोगे, इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, देखो ए का वैल्यू टू, बी का वैल्यू माइनस थ्री, सी का वैल्यू टू आ जा रहा है, तो यही आपको लिखा है इधर। ठीक है चलो दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, कौन सा वाला बेटा, ये वाला देखो, इसमें आपको पहले ये देखना है कि लीडिंग कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे मिनिमम आएगा ना मैक्सिमम, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मिनिमम तो बोल दिया है,
बट अगर क्वेश्चन में नहीं बोलता, अगर ऐसा बोलता फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको देखना पड़ता कि ए का वैल्यू क्या है। ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है मतलब ये आपका मिनिमम ही आएगा, मैक्सिमम आप निकाल नहीं पाओगे इसमें। और अगर ए का वैल्यू लेस देन जीरो आएगा तो ये आपका मैक्सिमम आएगा, जो कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। फिर हमने क्या देखा, मिनिमम या मैक्सिमम कोई भी वैल्यू जो होता है वो कौन सा वैल्यू पे होता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए पे, ये हमने देख लिया। तो इसको हमें बैठाना पड़ेगा माइनस बी बाई टू ए, बी और ए और सी कहाँ से निकालेंगे, ये वाला से। तो माइनस बी बाई टू ए बैठा दिया तो एक्स का वैल्यू थ्री बाई फोर आ गया। तो ये एक्स का इस वैल्यू पे मैक्सिमम और मिनिमम जो भी है निकाल के आएगा। तो मैंने एक्स का ये वाला वैल्यू ही ये एक्सप्रेशन में बैठा दिया, या तो आप ये कर सकते हो जो कि मैं इसमें किया, और या तो आप डायरेक्ट इस फॉर्म में मतलब फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर में बैठाओगे तो आपका ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा जो आपके मन में चाहिए। तो दूसरा वाला आप करते हैं, ठीक है। दूसरे वाले में देखो आपका ये बोल रखा है माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव, और आप गौर से देखो ये वाला आपका माइनस है, ए का वैल्यू माइनस थ्री, बी का वैल्यू सिक्स, सी का वैल्यू फाइव। तो ए का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये क्या आ जाएगा, इट हैज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मैक्स वैल्यू। तो आपको इसका देखो इसे मैक्सिमम वैल्यू भी बोल रहा है, आपको अगर बोलता कि मिनिमम वैल्यू निकालो पॉसिबल नहीं है। तो मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा तो मुझे मालूम है कि x इक्वल्स टू मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू ए, और माइनस बी का वैल्यू सिक्स है, सॉरी सिक्स है, टू इंटू ए का वैल्यू माइनस थ्री, तो माइनस सिक्स बाई माइनस सिक्स हो जा रहा है जो कि आपका वन हो जा रहा है। हाँ या ना, मतलब x का वैल्यू वन आपका आ रहा है, इसको ही अगर आप इसमें बैठा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इधर ही कर लेते हैं ये, इसको अगर अच्छा नीचे ही करते हैं, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव, यही था ना, हाँ। तो एट एक्स इक्वल्स टू वन माइनस थ्री इंटू वन स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू वन प्लस फाइव, सो ये आएगा माइनस थ्री प्लस सिक्स प्लस फाइव, सो ये आएगा आपका कितना, फाइव और थ्री तो सिक्स प्लस टू जो कि आपका आ जाएगा एट। आंसर तो मैच नहीं कर रहे हैं, गलत क्या किया, सिक्स प्लस फाइव, इसमें बोल क्या रखा था, अच्छा आपको एक्स का वैल्यू निकालना था, इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं निकालना था, आपको बोल रहा है एक्स का वैल्यू निकाल, तो एक्स का वैल्यू तो ऑलरेडी हम निकाल ही चुके थे जो कि वन पे आएगा, तो आपका आंसर इसके लिए आएगा वन। बट अगर आपको बोलता कि आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू भी निकालना है तो आपका आंसर आ जाता ये वाला, ठीक है। बट इस केस में आपको बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालो जिसमें कि मैक्सिमम और मिनिमम आएगा, तो इसके लिए आपका यही आंसर आ जाएगा जो कि वन, ठीक। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। किसी को कोई डाउट? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, ठीक। अब ये वाला देखना पड़ेगा आपको, ये क्या बोल के रखा है, अब ये तो कुछ और ही लग रहा है मुझे, क्यों? आप देखो इसमें क्या है, चूज मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस टोटल, मतलब ये आपका एक इस फॉर्म में दिया है, ये कैसे करेंगे इसमें, तो सर ये डायरेक्ट तो अप्लाई नहीं हो रहा है सर, तो हम डायरेक्ट इसमें वो वाला जो हमने देखा तो कैसे अप्लाई करेंगे, कौन बोल सकता है सर? इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना पॉसिबल होगा? हेलो बेटा, हाँ क्यों नहीं होगा, अगर डिवाइड आप करोगे, डिवाइड पॉसिबल है, क्योंकि अच्छा डिवाइड पॉसिबल होगा या नहीं कैसे समझ पाएंगे हम, ये समझना भी जरूरी है कि डिवाइड होगा या नहीं, कौन बोल सकते डिवाइड होगा या नहीं, क्यों आप कैसे बोल रहे हो बेटा होगा, आप कैसे बोल रहे हो बेटा कि हाँ ये डिवाइड होगा, होगा डिवाइड, हाँ हाँ, बट कैसे बोल रहे हो आप कि ये होगा सर, क्योंकि इसके वेरिएबल्स सेम है, हाँ क्योंकि अगर हम देखेंगे वेरिएबल्स तो है, बट अगर ऊपर में देखेंगे आपका ये ऊपर वाला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या कुछ और फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक, और नीचे आपका क्या है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, और नीचे भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो yes, आप एक sir. काम कर सकते हो इसके लिए कि आप इंडिविजुअली इसको समझ लो एक क्वाड्रेटिक, और इंडिविजुअली इसको समझ लो एक क्वाड्रेटिक,
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही क्वाड्रेटिक है ना, और हम क्वाड्रेटिक का निकालना जानते हैं। हाँ या ना बोलो। और या तो आप डिवाइड भी कर सकते हो क्योंकि ये डिवाइड करना पॉसिबल होगा, ठीक है, ये डिवाइड भी हम कर सकते हैं। अब डिवाइड करने के लिए थोड़ा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ये आप देखो ये वाला प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको अगर आप मॉडिफाई करके बनाओगे तो इधर क्या है, पेज भी नहीं दिया है, एक पेज ऐड कर लेते हैं। ये आपका 2x स्क्वायर है प्लस 12x है माइनस 3, और इधर से माइनस 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 1। आप नॉर्मली डिवाइड कर सकते हो ऐसे 2x स्क्वायर। अच्छा देखो नीचे आप देखोगे ना कोएफिशिएंट को आपको मैच करना पड़ता है, डिवाइड में यही करना पड़ता है ना कि कोएफिशिएंट को मैच करना पड़ता है। अब नीचे देखो ये वाला क्या है, हाँ बेटा कोई कुछ बोल रहा था, नीचे आपका क्या है माइनस का 3 है कोएफिशिएंट में, हाँ या ना बोलो। यस यस। और आपका ऊपर में क्या है, ऊपर में क्या है 2 पॉजिटिव 2, और ये प्लस का 12x है, हाँ या ना। यस। तो इसको करेंगे तो कैसे आएगा, ये वाला देखो नीचे जो है ना माइनस 3 और ऊपर देख पा रहे हो ये वाला सिर्फ 2 है। अगर हम नॉर्मली जाएंगे तो ये वाला आपका a जो है इधर a का वैल्यू क्या है ऊपर वाला में देखेंगे तो 2 और नीचे वाला में माइनस 3। ऊपर वाला में a ग्रेटर देन 0 है और इसमें आपका a लेस देन 0 है, हाँ या ना बोलो। और मिनिमम वैल्यू किस केस में आता है, मिनिमम वैल्यू कौन सा वाला केस के लिए आएगा नीचे वाला जो टर्म है ना इसको ऊपर लाऊंगा। कैसे करूंगा देखो, मैं पहले इधर से 2 कमांड लूंगा ऊपर वाला से, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3/2। मैंने 2 कमांड ले लिया, इधर जो था मैंने लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस का 1, ठीक आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 को इधर रख देते हैं, मुझे चाहिए ना इधर नीचे वाला टर्म भी ऊपर चाहिए। मैं क्या करूंगा, एक माइनस 3 को नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इधर माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये ऊपर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3/2 था, डिवाइड बाय जो था मैं लिख दे रहा हूँ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 1, ठीक। इधर जो माइनस 2/3 बन रहा है बाहर ही रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3x स्क्वायर और ये वाला देखो माइनस का 18x आ जा रहा है और माइनस माइनस प्लस का 9/2 आ जा रहा है डिवाइडेड बाय माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 18x प्लस का 1 आ जा रहा है, ठीक। मैंने क्या किया पहले बेटा कि इसमें ना आपका 2 कॉमन ले लिया, ये वाला जो 2 था मैंने इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 2 को कॉमन करके बाहर कर दिया, तो इसका 2 कॉमन लेंगे तो इधर x स्क्वायर और 12 से 2 जाएगा तो 6, और 3 में तो कुछ है ही नहीं तो ये बाई फॉर्म में 2 चला गया। फिर मैंने क्या किया, इधर एक माइनस 3 को मल्टीप्लाई किया और इधर एक माइनस 3 को डिवाइड में और मल्टीप्लाई में कर दिया। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मुझे ना ये वाला टर्म ऊपर चाहिए। हम डिवाइड भी करके निकाल सकते हैं चीज को, ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइड करोगे आप तो भी बात सेम बनेगा। आप कैसे करोगे, अगर डिवाइड करोगे तो इधर 2x स्क्वायर लिखोगे प्लस 12x लिखोगे माइनस 3 लिखोगे और इधर आप करोगे माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 18x ऐसे करके प्लस 1 ऐसे करके भी बना सकते हो, उसमें भी बात आपका सेम ही आएगा। यस सर। बात समझ आ रहा है? ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा फिर, माइनस 2/3 और ये वाला माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 18x। अच्छा मुझे प्लस 18 चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें ना एक प्लस 18 कर रहा हूँ, मेरे पास माइनस 18x था बट मैं क्या कर रहा हूँ प्लस 18 कर रहा हूँ और एक माइनस 18x कर रहा हूँ, और माइनस 18x पहले से ही था और ये प्लस 9/2 कर दिया, डिवाइडेड बाई क्या कर दिया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 1 कर दिया, ठीक। और अगर इसको करेंगे तो माइनस 2/3 इधर देखो माइनस 3x स्क्वायर
प्लस 18x को लेंगे और एक प्लस 1, अच्छा 18x प्लस 1 करेंगे और इधर देखो माइनस 18x माइनस 18x माइनस 36x प्लस का 9/2 बन जा रहा है, और मैं एक प्लस 1 किया था तो इधर माइनस 1 करना पड़ेगा, और डिवाइडेड बाय माइनस 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 1 बन जा रहा है। ठीक? यस सर, यस सर, यस सर। अब देखो इसको अगर डिवाइड करोगे, इस चीज को लेके अगर डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड बाय ये वाला करोगे तो देखो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये सेम सेम टर्म है, राइट? यस सर, यस सर। और इधर से माइनस दूसरा वाला टर्म से माइनस कॉमन लोगे तो ये आएगा आपका 36x और ये आपका आ जाएगा माइनस का 9/2 प्लस का 1, तो ये आप करोगे तो 2, ये वाला माइनस का 9 और ये वाला प्लस का 2, मतलब ये क्या जा रहा है, माइनस का 9/2 प्लस, तो ये माइनस 7/2 आ जा रहा है ना, माइनस है माइनस 7/2 डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 1। ठीक है? यस सर। अच्छा ये वाला थोड़ा बड़ा ही हो जाएगा। अच्छा इसको भी कर सकते हो, और एक मेथड भी दिखा देंगे, क्योंकि ये वाला थोड़ा आपका लेंदी हो जाएगा, तो ये वाला 2/3 हो जा रहा है, ये वाला 1, और इसमें देखो आपका ये जो माइनस था इसको बाहर कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 36x माइनस 7/2 डिवाइडेड बाय आपका आ जा रहा है कितना, 3x स्क्वायर, आप माइनस कॉमन लिए थे ना, और ये वाला माइनस का 18x और ये माइनस का 1 आ जा रहा है, इसको रखने दो। अब देखो इसमें आपको ये वाला मैंने बोला ना, ये वाला एक अलग है, ये वाला एक अलग है, दो अलग अलग पूछ रहे हैं ना हम इसको, क्योंकि इसमें बोला ये ग्रेटर देन 0 ये लेस देन 0 वाला चीज हो जा रहा है, और ए अगर ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो मैं इसको सोच सकता हूँ ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करेंगे तो इसका ए का वैल्यू आएगा 2, बी का वैल्यू आएगा मेरा 12, सी का वैल्यू आएगा माइनस 3, ऊपर वाला के लिए बोल रहा हूँ, और नीचे वाले के लिए अगर मैं बोलूंगा तो ए का वैल्यू मेरा आएगा माइनस 3, बी का वैल्यू मेरा आ जाएगा कितना, 18, और सी का वैल्यू आ जाएगा 1। तो मैं अगर डीरे निकालने जाऊंगा इसका मैक्सिमम और मिनिमम, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था मेरा, ये वाला टर्म में बैठा देंगे तो आ जाएगा ना ये 4ac माइनस b स्क्वायर बाय 4a, तो ये वाला आएगा तो 4ac माइनस b स्क्वायर बाय 4a आएगा, राइट? यस सर। ये वाला में बैठा रहा हूं ये वाला में, तो बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा इसका, तो देखो इसमें ऊपर वाला का निकालना, आपको ऊपर वाला भी निकालना पड़ेगा, नीचे वाला भी निकालना, दो अलग अलग एक्सप्रेशन है ना, तो इसमें देखो 4 इंटू ए का वैल्यू कितना आ जा रहा है 2, सी का वैल्यू कितना आ जा रहा है माइनस 3, माइनस बी का वैल्यू कितना आ जा रहा है 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका आएगा 4 इंटू ए का वैल्यू 2 आ जा रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 2 कितना आ रहा है, 4 इंटू 2 आपका आ जा रहा है 8, 8 इंटू 3 आपका आ जा रहा है 24, और ये माइनस का 24 है, राइट? यस सर। ठीक है? यस सर। ये आपका माइनस क्या था, बी, बी का वैल्यू क्या था 12 और 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 4 इनटू 2, थोड़ा ज्यादा कम हो गया इसमें, तो आप देखो ये वाला माइनस 24 और माइनस 144 कितना आ रहा है, माइनस 168, एक्जेक्टली माइनस का 168 और डिवाइडेड बाय आपका 8 आ जा रहा है, इसको रख दो, ठीक है, और इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, ये माइनस का माइनस 21, माइनस का 21 आ जा रहा है, ठीक है? यस सर। आ गया प्रॉब्लम? यस सर। और दूसरा वाला ही करोगे आप, देखो इसमें 1 प्लस ये वाला भी कर सकते हो आप लोग, 1 प्लस 18x माइनस का 3x स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। इसमें करेंगे तो कितना आएगा, इसको करके बोलो मुझे थोड़ा कि हाँ इसमें अगर 4ac by क्या था ये 4ac माइनस b स्क्वायर by 4a करेंगे तो इस चीज का वैल्यू कितना आ रहा है, इसके लिए पहले आप a निकालो, b निकालो, c निकालो, a b c निकाल के मुझे बोलो कितना आ जा रहा है ये वाला वैल्यू आपका। कर रहे हो सभी? यस सर, यस
कितना आ रहा है बेटा बोलो, थोड़ा है या नहीं? नहीं तो मैं ही दिखाता हूँ। कितना आ जा रहा है बेटा? 28 राइट। तो माइनस का ये वाला कितना आया था मेरा, माइनस का 21 और ये वाला आपका आ जाए। आप सही से बोलो ना, 4ac/4ac-b2/4 का वैल्यू राइट, माइनस 21/28 तो 3 से करेंगे तो 3 और ये वाला आपका 7 माइनस 3। मुझे लग रहा है ये ऑप्शन में था क्या, कहाँ था? नहीं ऑप्शन में नहीं है, एक मिनट, मुझे लग रहा है प्रॉब्लम में कुछ गलत किया है मैंने। ओह अच्छा, ये वाला ना बेटा माइनस 2x² + 12x, ये वाला माइनस था ठीक है। एक्चुअल में ये वाला प्रॉब्लम के लिए आपका आंसर यही आएगा, ये वाला प्रॉब्लम के लिए आंसर यही आएगा, बट एक्चुअल प्रॉब्लम था इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया है जो जिसने लिखा है। ये वाला आपका माइनस है 2x² - 12x + 3x है और नीचे वाला है 1 + 18x - नहीं ये वाला प्लस है। ये वाला करोगे तो एक्चुअल आपका ऑप्शन आएगा, मतलब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएगा, बट जो वाला प्रॉब्लम हमने किया है ना वो वाला के लिए आंसर ये आएगा। तो इतना बड़ा करने का जरूरी नहीं है, ये वाला आप छोड़ो, ये वाला बहुत बड़ा होगा क्योंकि लास्ट तक आपका जो आ रहा है ना ये वाला, इसको फिर से आपको करना पड़ेगा। देखो ये लास्ट तक जो आया था इसको फिर से करना पड़ेगा, तो ये खामखा आपका बड़ा हो जाएगा, ये चीज खामखा बड़ा हो जाएगा। मैं ये वाला भी दिखा देता हूँ आपको कि ये वाला कैसे करेंगे। ये वाला आपका आपने जो किया ये वाला प्लस था और माइनस, और एक्चुअल प्रॉब्लम जो था वो आप मैं फिर से लिख लेता हूँ। देखो 2x² था, इसमें आपका माइनस का 12x आएगा और ये वाला प्लस का 3 आएगा आई थिंक। हाँ यही है, माइनस 2x² - 12x + 3 और नीचे 1 + 18x + 3x² है ठीक है। ये वाला था एक्चुअल प्रॉब्लम। अब देखो मैंने क्या बोला आपको कि आपको पहले ये वाला भी करना है और ये वाला भी करना है राइट, दो अलग अलग से करेंगे। यस सर, नहीं ये वाला माइनस ही है, ये वाला 12x² - 12x + 3। हाँ तो देखो इसमें अगर करेंगे तो ये वाला के लिए ए का वैल्यू, ऊपर वाला के लिए ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू मेरा -12 है और सी का वैल्यू मेरा 3 है राइट। यस सर, और हम लोग क्या जानते थे ये मैक्सिमम और मिनिमम जो भी आता है कहाँ पे आता है, एक्स का वैल्यू -b/2a पे आता है ना। यस सर, तो ये वाला माइनस बी का वैल्यू क्या है, -12/2a का वैल्यू क्या है, इधर 2 * a का वैल्यू 2 है, तो ये 12 बाई कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब इसका ऊपर वाला का जो मैक्सिमम है मिनिमम वैल्यू आएगा कहाँ पर आएगा, x = 3 पे आएगा राइट। और नीचे वाले के लिए अगर करेंगे हम तो ए का वैल्यू मैं ले रहा हूँ इसमें -3, बी का वैल्यू मैं ले रहा हूँ इसमें आपका 18 और सी का वैल्यू 1, तो इसके लिए एक्स का वैल्यू क्या आएगा, -b/2a पे ये भी मैक्सिमम मिनिमम दिखाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस बी का वैल्यू क्या है 18 और 2 * a का वैल्यू क्या है -3। हाँ या ना बोलो, ठीक है ना, मैंने जस्ट वैल्यू बैठा है तो -18 ये अलग अलग है ठीक है, ये वाला ऊपर वाला है, ये वाला ऊपर वाला का है और ये वाला नीचे वाला का है, तो ये आपका 18 डिवाइडेड बाय आपका -9 हो जा रहा है, तो ये आपका कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, सॉरी 6 है ये, तो ये 3 आ जा रहा है। तो ऊपर वाला में भी 3, नीचे वाला में भी, दोनों में ही अगर 3 बैठाएंगे तो ये मैक्सिमम मिनिमम शो करेगा, तो इसमें आप बैठा दो डायरेक्ट, तो अगर अभी बैठाएंगे एक्स का वैल्यू तो आपका आंसर आएगा, तो 2 * 3² - 12 * 3 + 3 बाई 1 प्लस कितना आ जा रहा है 18 * 3 - 3 * 3 का स्क्वायर। तो देखो 2 * 3² कितना आएगा, 3² आपका 9, 9 * 2 = 18 आ जा रहा है, माइनस 12 * 3 कितना आ जा रहा है 36 प्लस -33 और ये वाला देखो कितना आ रहा है 8 * 3 = 54 + 1 = 55 - 27, क्योंकि 3² आपका 9, 9 * 3 आपका 27, तो ये वाला करेंगे कितना आ जा रहा है, इधर से 18 + 3 करने से 21 और 21 - 36 करेंगे तो -15 और 55 से अगर 27 करेंगे तो ये 28, क्योंकि 27 * 2 = 54 होता है, तो 55 - 27 से 28 आई थिंक ये वाला ऑप्शन में है, तो इसमें आपका ऑप्शन आ रहा है -15/20। तो ये वाला थोड़ा गलती था, ये वाला आपको क्या कर लेना है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ठीक है। ये वाला आपका
जब सही कर देते हैं ये वाला जो सिंबल बनेगा, क्या लिया हमने, 2x² माइनस का 12x, ये वाला माइनस का 12x होगा और प्लस का 3 आएगा, ये वाला प्लस का 3 आएगा। ठीक है, आया समझ में? तो दो अलग अलग आएगा तो दोनों का आपको अलग से निकालना है। ये वाला भी इरेज कर दो। तो दो अलग अलग आएगा तो आपको दोनों को अलग अलग से लेना है, ऊपर वाला निकालो नीचे वाला निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, बात करो। बट हमने जो बनाया था वो वाला भी सही था, बट वो प्रॉब्लम सही ना था तो इसलिए आंसर कुछ अलग आ गया था। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम आपको ऑप्शन दिया है तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम में गड़बड़ था, प्लस माइनस इसलिए नहीं आ रहा था। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। प्रॉब्लम ऐसे करेंगे तो छोटा में हो जाएगा। अब इसके बाद क्विज है, ये वाला आप ट्राई करो। फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब देखो इसमें a का वैल्यू 1 है, मतलब क्या है, a ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 में मिनिमम आता है मैक्सिमम? मिनिमम आपको देखना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कहां क्या होता है, 4ac माइनस b² / 4a होता है ना। तो इसमें आप डायरेक्ट a का वैल्यू ये, b का वैल्यू आप -3, c का वैल्यू 5 बैठा, देखो ये चारों में से कौन सा आ रहा है, करके देखो। ठीक, बनाओ बनाओ, बना के बोलो क्या आ रहा है। सर सेकंड, सबका समय आ रहा है क्या? चलो निकल निकाल के देख लेते हैं। 4 into a का वैल्यू 1 into c का वैल्यू 5 माइनस b² मतलब 9 डिवाइडेड बाय 4 into a, तो 20 माइनस 9/4 तो आपका आएगा 11/4 मिनिमम वैल्यू दिस। ठीक है, देखो इसमें लिखा है मैक्सिमम वैल्यू इज 11/4, ये नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो पाएगा क्योंकि ये a ग्रेटर देन 0 है, तो ये मिनिमम वैल्यू आएगा। ठीक, चलो अच्छा इसके बाद ही होमवर्क दिया है। ठीक है, होमवर्क का पहला वाला प्रॉब्लम भी कर लो, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस। बनाओ बनाओ बनाओ, खुद से बनाओ। -9/8 मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम? सर मिनिमम, मिनिमम क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है। तो a का वैल्यू मेरा 2, b का वैल्यू मेरा माइनस, अच्छा नहीं 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 a का वैल्यू क्या है, देखो -5x² को लिखना पड़ेगा, -2x - 7, इसको पहले सजाओ तो सही से। तो ए का वैल्यू आपका आएगा -5, बी का वैल्यू आएगा 2, सी का वैल्यू आएगा -7। तो ए जो लेस देन 0 है तो ये मैक्सिमम आएगा। आपको आज से पहले ठीक से सजाना तो है ना, ये x² बाद में दिया है तो आप ए का वैल्यू 2 मत लेना, वो गलत हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में होगा इसलिए प्रॉब्लम दिया है। तो ये आएगा कि कितना निकल रहा है, तो 4ac - b² / 2a निकालो। तो 4 into a का वैल्यू -5 into c का वैल्यू -7 -b² - मतलब 4 और 4 into a का वैल्यू -5 निकालो, ये कितना आ रहा है, 4 5 से आपका कितना आएगा 20, 20 और 7 कितना आएगा 140 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4 डिवाइड बाय माइनस का 20, तो ये आपका आ जा रहा है 140 मतलब 136 आ जाएगा बाई 20 आ जाएगा माइनस का, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 12 आ जा रहा है और ये 16 मतलब माइनस और ये वाला माइनस का 10, तो ये आपका दो फिर से करोगे तो ये वाला 34 माइनस 34/5 आ जा रहा है। ठीक, यस सर। ठीक है, ये वाला समझना जरूरी है कि हाँ ये डायरेक्ट नहीं दिया है, आपको ऐसे सजा लेना है, पहले स्क्वायर फिर एक्स का टर्म फिर कांस्टेंट टर्म, फिर आप बोलोगे कि ये वाला मेरा ए, ये वाला मेरा बी, ये वाला मेरा सी आ जाएगा, और ए का वैल्यू लेस देन है मतलब ही मैक्सिमम है। ठीक, यस ये वाला यस सर आंसर, तो आंसर क्या आ जा रहा है -34/5। ये वाला निकालो, माइनस का भी इसको होगा, पहले ब्रेक कर लेना है सर, ऊपर माइनस का भी होगा, माइनस का भी माइनस तो लिखा है बेटा ये वाला,
अभी वाला बनाओ माइनस फोर इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू, तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर जो है ना इसको पहले ब्रेक करो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, फिर जाके इसको पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लाओ, फिर जाके प्रॉब्लम बन सकता है। इस फॉर्म में अगर नहीं लाओगे ना तो आप ए बी सी निकाल ही नहीं पाओगे, प्रॉब्लम बर्बाद होगा। तो पहले इसको ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में लेके आओ, बना के बोलो कितना आ रहा है। किसी का हो गया है तो बोल सकते हो बेटा। किसी का हो रहा है, सब कर रहे हो ना या ऐसे ही बैठे हो? कर रहे हैं ठीक है बेटा बनाओ, ठीक है बेटा बनाओ, बना के दिन बोलो। सर टू अपॉन वन आप बोल रहे हो, टू अपॉन वन मतलब टू बोल रहे हो, मैक्सिमम या मिनिमम? सर मिनिमम, मिनिमम वैल्यू और ये टू आएगा। ठीक है चलो बनाते हैं, और किसी का कोई कुछ बोलना है तो थोड़ा रुक जाते हैं और दो तीन आंसर ले लेते हैं। बोलो बेटा और किसी का, चलो बनाते हैं। क्या दिया था माइनस फोर और इसमें दिया था एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो माइनस फोर एस ए माइनस बी होल स्क्वायर दिया है ना, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस टू, मल्टीप्लाई करने से माइनस का फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स माइनस सिक्सटीन प्लस टू, तो आ रहा है माइनस का फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स और ये माइनस फोर्टीन। अब ये वाला ही एक्सप्रेशन है, आप ध्यान से देखो ए का वैल्यू जो है लेस देन जीरो है, मतलब ये आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ये वाला आंसर गलत हो गया क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है। और इसमें हम देख पा रहे हैं ए का वैल्यू मेरा माइनस फोर, बी का वैल्यू सिक्सटीन, सी का वैल्यू फोर्टीन आएगा माइनस का। अब मुझे बोल रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो, फॉर्मूला क्या था फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए, डायरेक्ट बैठाओगे आंसर आ जाएगा फोर इंटू ए का वैल्यू माइनस फोर, सी का वैल्यू माइनस का फोर्टीन, माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू सिक्सटीन स्क्वायर बाई फोर इंटू ए का वैल्यू आपका माइनस फोर, तो आएगा कितना फोर फोर जा एट्टी, फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू फोर्टीन कितना आएगा टू और ट्वेंटी फोर, तो ये वाला प्लस का ट्वेंटी फोर माइनस सिक्सटी, समझ आया ना क्या किया, फोर इंटू फोर सिक्सटीन आ जा रहा है और इंटू में आपका फोर्टीन आ रहा है, सिक्सटीन इंटू फोर्टीन करने से टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर बनेगा, ठीक है। और ये माइनस दोनों ही था तो माइनस माइनस प्लस, और सिक्सटीन का स्क्वायर आ जाएगा टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स डिवाइडेड बाई माइनस का सिक्सटीन, तो 256 से अगर 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा 22 माइनस का, तो ये आएगा माइनस का 22 डिवाइड बाय माइनस का 16, दोनों ही कैंसिल हो जाएगा तो 11 बाय 8 आएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू 11 बाय, छोटा से लिख देते हैं 11 बाय 8, जो कि आपका आंसर बनेगा। और ये मैक्सिमम है या मिनिमम? ये मैक्सिमम है सर, मैक्सिमम। ठीक है कोई शक किसी को? यस सर। नो सर। हाँ बेटा कोई कुछ कोई कुछ बोल रहा था सर, वहाँ पे 32 आएगा शायद। हाँ कौन सा वाला बेटा? सर जो आपने माइनस किया 22 के जगह पर 32, 56 से आप माइनस कर रहे हो 24 को, 32। अच्छा हाँ एग्जैक्टली बेटा ये 32 आएगा, तो ये तो और भी अच्छा आंसर आ जाएगा, तो ये आपका 2 आएगा, डायरेक्ट 2 आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2। ठीक है सही बोला, 24 है ना, मैं भी माइनस में गलत कर रहा हूँ, तो ये वाला आपका 2, ये वाला 3 माइनस करेंगे तो, और ये माइनस का क्योंकि ये बड़ा है या छोटा, 256 सही है, 16 का स्क्वायर 256
और ये 14 इंटू 16 आपका 224, 224, 34, 44, 54, हाँ 32, ठीक है, टू आंसर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला प्रॉब्लम आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको पहले क्या करना है, ऊपर वाला के लिए मैक्सिमम मिनिमम या नीचे वाला के लिए मैक्सिमम मिनिमम, एक्स का वैल्यू पहले निकाल लो, इसका कौन सा कहाँ आ रहा है जो कि माइनस बी बाई टू ए से मिलेगा, इधर इधर भी एक्स का वैल्यू माइनस बी बाई टू ए से मिलेगा, और दोनों में ही एक्स का वैल्यू बैठा दो, आंसर आ जाएगा चारों में से कोई, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, आप प्रॉब्लम को बनाना और थोड़ा घर पे पढ़ाई करो, रिवाइज करो, नहीं तो ये चीज याद नहीं रहेंगे। यस सर, यस सर, यस, ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, ओके सर, थैंक यू सर, बाय, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय सर, बाय बेटा, बाय, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, कोई बात नहीं।